वेलकम टू माई YouTube चैनल स्प्रेड नॉलेज। शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ स्टील एज इट इज नॉट ब्रिटल, हैज लोअर इलास्टिसिटी, हैज हायर इलास्टिसिटी, नन ऑफ दिस। तो सी होगा इसका, हैज हायर इलास्टिसिटी। परसेंटेज शेयर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ HP इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो 0.57% आएगा इसका ए ऑप्शन। विच इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ HP, लाहौल स्पीति इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन सी। विच माउंटेन पास कनेक्ट्स कांगड़ा विद ब्रह्मोर, तो सिंगूर पास और इंद्रहार पास दोनों ही कनेक्ट करते हैं कांगड़ा को ब्रह्मोर के साथ, तो सी ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। लुनानी जो कोल्ड वाटर स्प्रिंग है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। धामी वैली जो है कहाँ पे सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन बिलासपुर। शिंगतुंगू जो है ये लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है ये लेक, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो शिंगतुंगू लेक जो है ये लोकेटेड है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कैपिटल ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है कामरूम है। इसके बाद लास्ट रूलर ऑफ भागत डोमिनियन दुर्गा सिंह, जो भागत राज्य का अंतिम शासक था वो थे दुर्गा सिंह। ओल्ड नेम ऑफ बिलासपुर क्या था, ब्यासपुर है। धौलाधार माउंटेन इज पॉपुलरली नोन एज मुलाक पर्वत, मेनाक कहते थे शिवालिक को, ट्रेसिस ऑफ शिवा, मेनाक पर्वत यानी कि शिव की जटाएं, तो मेनाक पर्वत किसको कहा जाता था, शिवालिक को। मुलाक पर्वत इसका आंसर होगा धौलाधार का डी ऑप्शन। विच टेम्पल ऑफ HP इज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिडिंबा देवी टेम्पल जो है वो प्रोटेक्टेड है मॉन्यूमेंट अंडर ASI। भाई दो ना पाई दो स्लोगन कौन से मूवमेंट में रेज हुआ था, तो पुजोदा मूवमेंट में इसको रेज किया गया था, भाई दो ना पाई दो। ऑन January 26, 1948 किसने लीड किया था इंटरिम गवर्नमेंट को HP में, तो शिवानंद नरमोल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। विच क्रिकेटर ऑफ HP मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्टेइंग एट द बैटिंग क्रीज फॉर 1017 मिनट्स, राजीव नायर इसका सही आंसर होगा। अब ये नहीं मुझे इतना नहीं पता कि HP के ही क्रिकेटर थे या कहीं और के, बट राजीव नायर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है, तो ऑप्शन ए होगा इसका। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी HP में हमीरपुर में है, डी ऑप्शन। विच इज़ द एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ये बना रही है SJVNL इसको बना रही है धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। इन विच ईयर वाज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना लॉन्च्ड इन HP, तो 1999 to 2000, तो ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। शांत और शाबू जो है फोक डांसेस हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट के, तो इसका आंसर होगा लाहौल स्पीति, डी ऑप्शन। गोची ये जो फेस्टिवल है कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो केलोंग इसका सही आंसर होगा ए। फेमस रिवॉल्यूशनरी जो है यशपाल शर्मा ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये भोपाल से हैं, हमीरपुर मतलब थे ये, तो कहाँ से बिलोंग करते थे ये, तो हमीरपुर भोपाल से बिलोंग करते थे, तो ये संबंधित है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। और कोंकणी जो है जैसे कि गोवा से रिलेटेड है क्योंकि वहाँ की भाषा है लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज, तो डोगरी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो डोगरी जो है जम्मू से रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर से, तो सी ऑप्शन आएगा 131 का सी ऑप्शन। अगर बात करें तो 132 की, तो फर्स्ट लेटर अगर यह लॉजिकल और लॉजिक और रीजनिंग के ये क्वेश्चन हैं, तो 132 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी। कम्युनिकेशन को अगर हम इसको एक्सचेंज कर दें फर्स्ट लेटर को सेकंड के साथ, थर्ड वाले को फोर्थ के साथ,
इस तरीके से, और फिर राइट से टेंथ वो देखें तो एन आएगा उसमें, टेंथ जो लेटर आएगा वो एन आएगा। और अगर कोड दिया है नीचे वाले क्वेश्चन में, इस कोड को चेक करें तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा। और अगर 134 को हम सॉल्व करेंगे तो 81 आएगा हमारे पास। अगर हम 135 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास, क्योंकि इसमें 6 जो है, इस तरह के दो ही 6 हैं हमारे पास, जिसमें बाद में भी 9 है और पहले भी 9 है। अगर 136 को अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो डाटा इज़ इनएडिक्वेट हमें मिलेगा, कि डाटा जो है अपर्याप्त है और हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 137 को अगर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए जो है 25 वो आंसर निकलेगा। अगर 138 को सॉल्व करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर आना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर मैं मुझसे गलती हुई है तो आप प्लीज़ कमेंट करके उसमें करेक्शन करें। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं 100% इसको करेक्ट रखूँ अपने ऑप्शंस को, और मैंने वेरीफाई कर किया है इसको वेरियस सोर्सेज के। तो 139 जो क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे इन ईयर 2008, ऑन विच डे इट विल बी सेलिब्रेटेड इन 2012। तो ये वेडनेसडे होना चाहिए, 5 दिन का डिफरेंस आएगा 4 साल में, तो इस मेरे हिसाब से इसमें वेडनेसडे होना चाहिए, बी ऑप्शन। 140 का है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ई ऑप्शन ये करेक्ट होना चाहिए इसमें। तो आप जो है इसमें कमेंट करें अगर कोई आपको मिस्टेक लगती है किसी भी क्वेश्चन में, जितने भी मैंने अभी तक किए हैं, तो आप कमेंट करें, आप डिस्कस करेंगे हम सबके साथ कि क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें डी है ऑप्शन 140 का। 141 का जो है ये गुजरात आएगा, धन्वंतरी रथ जो है मोबाइल वैन सर्विस असेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए शुरू करी है गुजरात ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन्होंने लॉन्च किया है कंपेन इट्स बिटवीन यू इन इंडिया, व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है ए। अच्छा, किस प्लेस नीमू में, तो जो नीमू प्लेस है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी रिवर के इस पे, इंदूज रिवर पे लोकेटेड है इसके बैंक्स पे। तो ए ऑप्शन, स्ट्रिप्ड हेयरस्ट्री एंड एलुसिव प्रिंस ये डिस्कवर्ड स्पीशीज हैं, कौन से क्रिएचर की, बटरफ्लाई की ये डिस्कवर्ड स्पीशीज है। विच कंट्री रिसेंटली वोटेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दैट लेट इट्स प्रेसिडेंट टू रिमेन इन पावर टिल 2036। तो ये रशिया इसका आंसर है सी ऑप्शन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लेड द रिसेंटली रिलीज्ड द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, यानी कि जेम रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है, सॉरी रिलीज किया है, यूनेस्को ने। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020? तो इसका जो टेन्योर है वो है 7 ईयर्स का। यूनाइटेड स्टेट की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसने लॉन्च किया रिसेंटली, लॉन्च नहीं किया सॉरी, उसने अनाउंस किया है कि रिनेम करेगा वो हेडक्वार्टर को, कौन से अमेरिकन इंजीनियरिंग के नाम के ऊपर, तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन ये इसका करेक्ट आंसर होना होगा। तो ऑप्शन ए होगा 148 का। 149 का, कुशीनगर एयरपोर्ट कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है ये, ऑप्शन ए। द इंडियन पेवेलियन एट कांस फिल्म मार्केट हैज रिसेंटली बीन सेट अप जॉइंटली बाय द आईबी मिनिस्ट्री एंड विच एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिक्की, ऑप्शन बी। सिनोनिम ग्रूसम का क्या है, फ्राइटफुल, ऑप्शन डी। एंटोनिम क्या है एमनेस्टी का, तो इसका है एंटोनिम पनिशमेंट, एमनेस्टी होता है फॉरगिव, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना या एक्विटल करना, छोड़ देना, तो पनिशमेंट इसका जो है एंटोनिम है बी ऑप्शन। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है डी ऑप्शन, इंडिजिनस की करेक्ट स्पेलिंग डी वाली है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उस चाइल्ड के लिए जो घर स्कूल से दूर रहता हो विदाउट एनी गुड रीजन, उसको कहते हैं ट्रूएंट, तो डी ऑप्शन होगा इसका। 155 का होगा, टू सेट द पीपल
बाय एयर्स टू एक्साइट पीपल टू अ क्वाल, तो डी ऑप्शन होगा 155 का। ही डज नॉट लाइक मी डूइंग बेटर, ऑप्शन ए मी डूइंग आएगा। इट इज़ बेटर टू सेंड फॉर द डॉक्टर, तो इसको आप अगर आपको डाउट लगता है तो इस पर आप कमेंट करें, तो सी होगा, मतलब जहाँ तक मैंने इसको क्रॉस चेक किया है तो इसमें सी होना चाहिए। इट इज़ बेटर टू सेंड फॉर द डॉक्टर, तो वी मस्ट वेट अंटिल द इनविजिलेटर गिव्स द क्वेश्चन पेपर, तो गिव्स होना चाहिए इसके लिए। वी मस्ट वेट अंटिल द इनविजिलेटर गिव्स द क्वेश्चन पेपर, डी ऑप्शन। ही डिसाइडेड टू वाइंड अप हिज अफेयर्स बिफोर लिविंग द कंट्री, ही डिसाइड टू वाइंड अप हिज अफेयर्स बिफोर लिविंग द कंट्री, सी ऑप्शन वाइंड अप होना चाहिए। आई डिड वट आई कुड विच वॉज नॉट मच, तो बी ऑप्शन होना चाहिए, वट आना चाहिए यहाँ पे। शुद्ध शब्द जो है डी वाला है, निष्फल का षटकोण वाला आधा श आएगा, डी ऑप्शन। पावक का संधि विच्छेद पो प्लस अक होगा, डी ऑप्शन। चौक का तत्सम चक्र होगा, सी चक्र। सुत का स्त्रीलिंग होगा सुता, डी ऑप्शन। नारी का बहुवचन है नारियां, जो बी ऑप्शन वाला है, बी ऑप्शन इसका होगा नारी वाले का, नारियां। कर्महीन मेस्मास तत्पुरुष होगा, ए ऑप्शन। गुरु की भाववाचक संज्ञा जो है गुरुत्व होनी चाहिए, ए ऑप्शन। गुण का विशेषण होना चाहिए गुणी, सी ऑप्शन। सावधान में उपसर्ग होना चाहिए स, स प्लस अवधान, तो ए ऑप्शन। हिम का पर्यायवाची है, हिम का पर्यायवाची तुषार है, ए ऑप्शन। सो गाइस, आपको अगर ये हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे तो आप इसको शेयर करें और डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।